शहर विधायक संजय शर्मा ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अलवर शहर में पेयजल व्यवस्था को प्रतिदिन करवाने को कहा है। अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार पत्र में कहा गया कि अलवर शहर में चल रही पेयजल वितरण व्यवस्था को जलदाय विभाग के अधिकारियों ने अपने मनमाने व्यवहार एवं कार्य के प्रति लापरवाही के चलते अव्यवस्थित किया हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने वर्तमान समय में शहर के कुछ क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर एक दिन पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की हुई है, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देने पर भी उन क्षेत्रों में मात्र 15 मिनट का ही पानी आमजन को उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों को इन क्षेत्रों में पेयजल की मात्रा बढ़वाने के लिए ध्यान देना चाहिए। हमें जानकारी मिली कि अलवर शहर में एक्शन साहब ने एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देने के आदेश संबंधित AM को दिए हैं, तो मैंने आज एडिशनल चीफ इंजीनियर मैंने जिला कलेक्टर महोदय को, ADM सिटी साहब को, उसके साथ साथ एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब को, SC साहब को और एक्शन साहब को फ़ोन पर आग्रह किया है कि जिन क्षेत्रों में आपने एक दिन छोड़ के एक दिन कर रखा है वहाँ भी आप 15 मिनट से पानी ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में आपने अब इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, लागू किया है, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ हमारे बाशिंदे जहाँ रह रहे हैं कॉलोनीज में, उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, और एक दिन छोड़ के एक दिन भी यदि आप 15 मिनट ही पानी देंगे तो ये न्यायोचित नहीं है। तो मैंने हमारे सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि इस व्यवस्था में रिव्यू करें और प्रतिदिन पानी अलवर शहर की जनता को मिले, इसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया है। और मैंने साथ ही साथ उनको ये भी आग्रह किया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का संक्रमण बदस्तूर हमारे शहर के बीच में है, फैल भी रहा है, तो ऐसे में जब जनता को पानी नहीं मिलेगा तो जनता जलदाय विभाग के ऑफिस में जाएगी, हमारे पास भी आएगी, कलेक्टर साहब के ऑफिस में जाएगी, तो उससे संक्रमण फैलने का अंदेशा रहेगा। तो मैंने हमारे तमाम अधिकारियों से फ़ोन पर अभी आग्रह किया है, कलेक्टर साहब को भी आग्रह किया है, ADM साहब को भी किया, एडिशनल चीफ साहब को भी, SC साहब को, एक्शन साहब को आग्रह किया है कि आपने जो व्यवस्था लागू करी इस पर रिव्यू करें, इस पर पुनर्विचार करें, और शहर में जिस प्रकार से पानी नियमित प्रतिदिन मिल रहा है उसी को ही लागू रखें, जनता को राहत प्रदान करें, और जिन क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र है जिसका ये आड़ ले रहे हैं कि टेल एंड्स पे हैं, उन क्षेत्रों में पानी के टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाएँ। उस पर मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर रिव्यू कर रहे हैं और कोई ना कोई फ्रूटफुल निर्णय लेकर के अलवर शहर की जनता के हित में जलदाय विभाग निर्णय करेगा। 16 बोरिंग भी आपने दिए हैं, वो कब तक लग जाएंगे? देखिए, राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट सत्र के दौरान घोषणा की गई थी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 बोरिंग और 40 हैंडपम्प संबंधित विधायक की अनुशंसा पर दिए जाएंगे, क्योंकि अलवर शहर में हैंडपम्प लग नहीं सकते, तो 10 बोरिंग के साथ साथ एक्शन साहब से जो मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि 10 की जगह 16 बोरिंग का प्रपोजल आप हमें दे दें। तो जहां पानी की विकट समस्या थी, जहां टंकी के माध्यम से पानी नहीं पहुंच रहा था, जलदाय विभाग से, वहां के प्रमुख बाशिंदों से, जो वहाँ रहना आमजन के कहने से, मैंने 16 बोरिंग का प्रपोजल एक्शन साहब के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा है, और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही राज्य सरकार उन बोरिंग को भी स्वीकृत कर देगी। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा थी कि अलवर शहर में संबंधित या जो 200 विधानसभाओं में विधायक माननीय विधायकगण के कहने से 5 करोड़ की सड़कें का निर्माण PWD विभाग द्वारा किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर 20 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण नगर परिषद के माध्यम से जो प्रस्ताव आएंगे वो PWD के माध्यम से किया जाएगा। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि राज्य सरकार ने, PWD विभाग ने हमसे वो प्रपोजल्स मांगे थे, 5 करोड़ की सड़क का जो प्रपोजल था, शहर की जो मुख्य सड़कें जो क्षतिग्रस्त थी या टूटी हुई थी, जिसमें अलवर शहर के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण अंचल 3 पंचायत लगती हैं, दिवाकरी, बेलाका और भूगो, वहाँ की सड़कों के साथ साथ 5 करोड़ की सड़क के प्रपोजल मैंने PWD विभाग को सौंपे हैं। उसके साथ साथ 20 किलोमीटर की सड़कों का प्रपोजल नगर परिषद के माध्यम से जिला कलेक्टर जी की तरफ से सरकार को भेजा गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और PWD विभाग जल्दी उसको स्वीकृति प्रदान कर देगा, तो उन सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा।